हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्त। कैसे हैं आप सब? आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल स्वाति ब्लॉग्स में स्वागत है। दोस्तों, सुबह हो चुका है और हम जग गए हैं, और आज हम लोग को जाना है स्टॉल लाने और स्टॉल को कलर भी करना है। खाना वाना तो खा लिए, अब जा रहे हैं थोड़ा देर धूप में बैठते हैं, उसके बाद जाना है स्टॉल लाने भी। तो चलिए थोड़ा देर आराम कर लेते हैं, उसके बाद रेडी होकर निकलेंगे। तो अब हम दोनों लोग जा रहे हैं स्टॉल लेने, क्योंकि आज वो लोग बोले थे कि आज आप लोग को स्टॉल बनाकर अच्छे से दे देंगे। देख सकते हैं स्वाति का तबीयत कुछ खराब है, तो हो सके तो इसको भी दवाई करा देंगे। दवा लेगी ना? हाँ, दवाई खाई नहीं है, बुखार का जो दर्द हो रहा है ये सब ठीक हो जाएगा। नहीं, ठीक होगा। चलो दोस्त, हम लोग जा रहे हैं स्टॉल लेने, और स्वाति का तबीयत भी ख़राब है, तो इसको भी हम दर्द का दवा कुछ ले लेंगे डॉक्टर को दिखाकर। दोस्त, मैं अभी आ चुका हूँ, देख सकते हैं अपने स्टॉल के पास, जहाँ हम स्टॉल दिए हैं। देख सकते हैं यही मेरा स्टॉल है। स्वाति, तुमको पसंद है? अभी इसमें पेंट उन करना बाकी है ना। हाँ, यही है। तो आज हम दोनों लोग इससे लेने आए हैं, इसे पूर्ण रूप से बना ही दिया है, बस ऊपर जो ये फारदा टाइप का जो होता है ना, प्लास्टिक टाइप का, वो वहीं लगाना है ऊपर। अब इसको हम वेट करा रहे हैं कि कितना किलो हो रहा है। तो हमारा काउंटर तो बन के रेडी हो चुका है, और देख सकते हैं वो बाहर भी लेके घर चले गए हैं रोड पे, वहाँ से ले जाना है। अब हम लोग को ले जाना है घर पे, और यहाँ पे बिल पकड़ा दिए हैं। ये बिल देख लीजिए, 20,565 रुपए के दिख रहा है ना अच्छे से, जिसमें से हम लोग कितना जमा किए हैं? 6,000। अभी 14,000 कुछ जमा करना है। मतलब उम्मीद नहीं था कि इतना बिल बैठेगा, लेकिन 20,500 कुछ करके बैठा हुआ है, देख सकते हैं। अभी हम लोग को 14,500, मतलब 20,000 प्लस काउंटर का लग गया। हम लोग 15,000-14,000 के रेंज में लिए थे अनुमान, लेकिन 20,565 रुपये। वजन 174 किलो, 174 किलो 600 हुआ है ग्राम। समझ में आ रहा है कैसे कैसे क्या क्या किया जाए स्वाति? हाँ स्वाति, 20,565। समझ में नहीं आ रहा है कि दोस्त, अभी सिलेंडर भी खरीदना है, चूल्हा भी खरीदना है, बर्तन तो ले लिए, 20,500 काउंटर में ही लग जा रहा है। कैसे कैसे होगा? हाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी पोस्टर भी बनवाना है, पेंट भी करना है, माथा खराब हो रहा है, कैसे कैसे क्या करें हम लोग। हाँ स्वाति, क्या किया जाता है? पैसे भी नहीं है उतना, देख सकते हैं बिल खा दिया है हम लोगों को। तो हम लोग गए थे आज अपना काउंटर लेने, हम लोग को लगा था कि 15,000 के अंदर में हो जाएगा, और उनसे बोले भी थे कि 15,000 के अंदर में बनाइए, जितना कम हो सके। लेकिन वजन ज़्यादा हो गया है काउंटर का, और काउंटर का दाम 20,000 हो गया है, 20,500 कुछ। समझ में नहीं आ रहा है कैसे दे। हम लोग सोचे थे कि 15,000 तक हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा तो 15,000, 15 से ज़्यादा नहीं लगेगा। बर्तन वर्तन तो हम लोग ले लिए हैं, कभी गेस्ट रूम भी लेना है ये भी। तो अभी तो हम लोग काउंटर नहीं लाए, क्योंकि पैसा हम लोग के पास पूरा नहीं था। फिलहाल तो हम लोग घर के लिए आ गए, छोड़ दिए, अभी काउंटर नहीं लाए हैं, फिलहाल घर जा रहे हैं, सोचेंगे क्या करना है। तो हम लोग काउंटर का रेट सुन के तो घर आ गए थे, क्योंकि हम लोग का प्लान था कि 15,000 के अंदर में हो जाएगा। उनसे बोले भी थे कि 15,000 से कम ही कीजिएगा, 15,000 भी नहीं। लेकिन यहाँ पर आए तो फिर हम लोगों ने, हम मतलब 2-3 घंटा यहाँ पर रुकर कई लोगों ने हमने कॉल किया कि भैया कुछ पैसे की मदद कीजिए, जहाँ तक मेरी जान पहचान थी, जहाँ जितना हो सके कि मैं, हम लोग बाद में लौटा देंगे, कर्जा ही हम लोग को मदद नहीं, कर्जा चाहिए। हमने सूद पर भी मांगने की कोशिश किया, लेकिन कोई मदद नहीं किया। और जो लोग फोन करके हालचाल पूछते थे कि पीयूष कैसे हो, कुछ मदद चाहिए तो बोलिए, उनके पास भी मैं मैसेज किया, मतलब 6-7 लोगों के पास मैंने मैसेज किया और कॉल भी किया, तो कि
किन्हीं भाई लोगों ने हम दोनों का मदद नहीं की, सिर्फ 5000 रुपये की जरूरत थी और हमने बोला भी कि अगर 5000 रुपये अगर आप दे देंगे तो दुकान स्टॉल तो खुल जाएगा, लेकिन खुलने के बाद हम दोनों लोग मतलब जैसे जैसे कमाने लगेंगे उसे उसे हम आप लोगों को 5000 रुपये दे देंगे। तो दोस्तों फाइनली हम लोगों ने डिसीजन लिया है कि अभी जितना पैसा है हम लोगों के पास मतलब 15000 रुपये, 6000 रुपये तो हम पहले जमा किए हैं, अभी 9000 रुपये हमारे पास है, तो 9000 रुपये मैं उनको दे दूंगा और लेकिन स्टॉल उन्हीं के पास रहेगा। अगर कल अगर बाकी पैसा अगर हमारे पास जुट जाएगा इकट्ठा हो जाएगा तो कल हम लोग स्टॉल ले लेंगे, नहीं तो मुझे यह भी लग रहा है कि कहीं अभी पैसा रहे कहीं खर्चा हो जाए तो दिक्कत हो जाएगा। तो हम सोच रहे हैं कि पैसा उनको दे के और स्टॉल भी उन्हीं के पास रहेगा, कल अगर हमारे पास हो जाए, अगर हम कल पूरा पेमेंट कर देंगे तब वो हमको स्टॉल देंगे। हम दोनों लोगों ने यही सोचा है, तो अभी हम दोनों लोग जा रहे हैं उन्हीं के पास, उन्हीं को पैसा देने और कोशिश करेंगे उधारी भी करने के लिए, कहीं हो सके तो कहीं मान जाए एक दो महीने के बाद कि एक दो महीने के बाद अगर रिटर्न करना हो दुकान चलने लगेगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया 4-5000 रुपये उधारी लगा दीजिए, 5000 रुपये बाकी बाद में दे दूंगा। तो चलो स्वाति बैठो, ये हम लोग निकलते हैं दुकान पे जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। दोस्त अब भैया को पहले 6000 रुपये पेमेंट किए थे और अभी मैं 9000 कर दिया हूँ, अब भैया कितना बाकी रह जाएगा? 5000 बोल रहे हैं कि बाकी रह जाएगा। भैया हम बोल रहे हैं कि उधारी लगा सकते हैं, दुकान खोल रहे हैं पैसा नहीं है इसलिए बोल रहे हैं। क्या कहें, हम जैसे अपना किसी का लगाया उसको देना होता है सर जी। अपना एड्रेस आधार कार्ड पूछ रहे हम दे रहे हैं। अरे हम क्या करेंगे आपका एड्रेस आधार कार्ड सर जी। आप बोलें कुछ उधारी लगा देंगे, हम दुकान खोल रहे हैं ना। देखिए हम आप समझिए ना, हमारे हम लोग को भी किसी को देना होता है, हम आपको आदेश दे रहे हैं, समझ रहे हैं हम सब आधार कार्ड आपको हम आदेश दे रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं ना। हम क्या करेंगे आधार कार्ड से इधर आपका। दोस्तों यहाँ पे हम लोग 9000 और फैट कर दिए हैं और पैसा बाकी है, 9000 दे दिया और काउंटर अभी नहीं ले जा रहे हैं, यहीं पे काउंटर हम छोड़ दिए, देख सकते हैं यही हम लोग का काउंटर है। तो हम लोग 9000 जमा तो कर दिए वहाँ पे और 5000 देना बाकी है। हम लोग सोचे थे कि 15000 के अंदर में हो जाएगा, लेकिन पैसा ज़्यादा लगने के कारण हम लोग पास पैसा नहीं था, तो इसलिए 9000 ही जमा किए हैं और स्टॉल वहीं पे छोड़ दिए। अभी पैसा जब पैसा हो जाएगा तो देख के फिर लेंगे, 9000 से हम लोग जमा कर देंगे। और मेरा हाथ उसमें दर्द भी बहुत ज़्यादा हो रहा, तो जा रहे मेडिकल वाले को दिखा के दवाई खाते हैं, अब पूछ के कम पावर वाला दवाई भी ले लेंगे। हम दोनों लोग अभी एक मेडिकल में आ गए हैं, देख सकते हैं दोस्तों हम दवाई तो ले लिए, देख सकते हैं दो खुराक दवाई दिए हैं, एक अभी खाना है और एक सुबह में खाना है, और ये कम पावर का दवाई है और ये मुझे पड़ा है 2 रुपए का। दवाई तो ले लिए, तो चलिए घर के लिए हम निकलते हैं। दोस्तों हम लोग रूम पे तो आ गए, देख सकते हैं आगे जा रहे हैं। हम दोनों लोग घर आकर कुछ देर तक आराम किए और दिन का ही खाना था मतलब रोटी सब्जी, तो वहीं हम दोनों लोग खाएं और ये स्वाति दवा भी खाकर सो गई। हम लोग गए हुए थे स्टॉल के लिए, तो समझ सकते हैं कि हम लोग का रेंज था 15000 रुपये, तो ये गए तो 20,500 का बना दिए, वज़न ज़्यादा कर दिए, अब 5500 रुपये घट रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि दोस्त हम लोग करें तो क्या करें, पहले का जो 6000 रुपये जमा था वो 6000 रुपये में जमा कर दिया और उसके बाद मैं 9000 रुपये जमा कर दिया हूँ, 15000 रुपये तो जमा कर दिए हैं हम दोनों लोग, अब 5500 रुपये घट रहा है। उनसे मैं कई बार रिक्वेस्ट किया कि मैं बगल का ही रहने वाला हूँ, अपना आधार कार्ड पैन कार्ड दे रहा हूँ, प्लीज़ 5500 रुपये हम लोग बाद में दे देंगे, लेकिन वो नहीं माने। कई बार मैंने रिक्वेस्ट किया लेकिन वो नहीं माने। तो दोस्त समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब 5500 होगा तब ना अब लेकर आएंगे हम, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे होगा क्या होगा। हमारा प्लान था कि आज जा रहे हैं स्टॉल लेने, तो स्टॉल मिल जाएगा और हम लोग पेंट भी मार देंगे और कल से हम दोनों लोग चाय बेचना शुरू कर देंगे, अपना दुकान लग जाएगा। लेकिन वो लोग वज़न ज़्यादा कर दिए, 5500 रुपये और देना पड़ेगा, अब हम लोग के पास है नहीं पैसा, तो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है हम लोग करें तो क्या करें।